शेयर कौन सा, मतलब क्या भेजा था? कि आप लोग के ग्रुप में नहीं आया, ठीक है। प्रीवियस ईयर ये था सीबीएसई से, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड में, 12th में। सर आपने ग्रुप पे भेजा था? सर हमारे हाँ, ग्रुप ग्रुप पे में तो नहीं नहीं। आया, पुराने वाले ग्रुप में गया होगा। सर अगर आपको मिले तो सर फिजिक्स और मैथ्स का भेज देना एक साथ। जरूर, ठीक है ठीक है। चलो, आज हम लोग देखने वाले हैं इथर का केमिकल रिएक्शन, है ना। एसिडिक मीडियम में देखेंगे, बेसिक मीडियम में देखेंगे, है ना। सारे कंडीशन, कभी इथर जो है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, कभी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, कैसे उसके आसपास लोग हैं, उस तरीके से आने वाला न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है ना। इथर भी वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ईथर पे कभी SN1 मैकेनिज्म होता है, कभी SN2 होगा, है ना, ठीक है। एसिडिक मीडियम में अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है, बेसिक मीडियम में अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सारी चीजें आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज हमारा ईथर कंप्लीट और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे, है ना, ठीक है। देखो, आपको पता है ना, ईथर के आसपास दो अल्काइल ग्रुप होता है ना। ईथर के आसपास मीन्स ईथर का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, वो एक तरफ आर होगा, दूसरे तरफ आर हो सकता है, या एक तरफ आर हो, दूसरे तरफ क्या हो सकता है, आर डैश हो, है ना, ठीक है। यही तो इसके सराउंडिंग है ना, ओ के आसपास, यही क्या हो गया हमारा ईथर का स्ट्रक्चर। तो ये एक चीज ध्यान रखना, आर और आर डैश यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ आर और आर डैश नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री, नॉर्मल का मतलब समझ जाओ यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना। नॉर्मल का मीन्स नॉट रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा बाद में, है ना। नॉर्मल 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, अदरवाइज SN1, ये याद रखना। 3 डिग्री आया तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा, तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। नॉर्मल 1 डिग्री बन रहा है, नॉर्मल 2 डिग्री बन रहा है, तो SN2 अगर कहीं रेजोनेंस आ गया तो आप वहाँ पे SN1 हो जाएगा, क्योंकि कार्बो कटायन जो है ना हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना 3 डिग्री में, और रेजोनेंस के अगर मान लो बेंजीन के पास CH2 है, वहाँ पे कार्बो कटायन बन गया तो ज़्यादा ये हो जाएगा ना स्टेबल हमारा, इसलिए SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर लेता है। बट जनरली जो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा हो, नॉर्मल हो, है ना, वहां पे SN2, अदरवाइज सारे केस में SN1 होगा। रेजोनेंस हो तो SN1, 1 डिग्री हो रेजोनेंस हो SN1, 2 डिग्री हो रेजोनेंस हो SN1, सब SN2 का होगा जब 1 डिग्री हो, सिंपल 1 डिग्री एंड सिंपल 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो आसपास, ठीक है ना। अगर SN2 मेकानिज्म फॉलो कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है तो वो भी हो सकता है ना, ठीक है राकेश। SN2 मेकानिज्म आपको पता है ना, SN2 किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड अपॉन द क्राउडिंग, या बोल सकते हो आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास के ग्रुप कैसी है, उस पे डिपेंड करता है हमारा SN2, है ना। तो SN2 मेकानिज्म अगर फॉलो कर रहा है तो हमारा आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर कार्बन पे, हमेशा याद रखना है ना, ठीक है। लेस हिंडर कार्बन पे अटैक करता है आने वाला, लेस हिंडर अल्काइल ग्रुप पे, लेस क्राउडिंग पे, जहाँ पे बहुत कम ग्रुप लगे हों, है ना। अगर SN1 हो जाए तो SN1 क्राउडिंग पे डिपेंड डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कटायन। तो जितना ज़्यादा कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी होगी, उतना ही हमारी फर्स्ट SN1 रिएक्शन होगा, है ना। मोर स्टेबल कार्बो कटायन, फास्ट विल बी द SN1 रिएक्शन, है ना, रिमेंबर दैट, ओके। तो जितना ज्यादा कार्बो कटायन स्टेबल होगा, उतना ही हमारी फास्ट SN1 रिएक्शन होगी, तो ये तो आपको पता चल गया, है ना, ओके। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर एनहाइड्रेस हो, HX लिख दिया, HX मीन्स HCl हो, HBr हो, HI हो, है ना, अगर आगे लिखा हो एनहाइड्रस, तो ऑलवेज SN2, क्यों बताओ, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों।
बोलो एनीवन। अगर एनहाइड्रस HCl हो, HBr हो, HI हो, उस केस में SN2 क्यों होगा? 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों बोलो? वाई SN2, वाई? ये मैंने जब SN1 मैकेनिज्म पढ़ा रहा था तो आपको बताया था। बोलो। सर, बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। यस, सरियों ने सही जवाब दिया, सॉल्वेंट। हाँ रीजन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है ही नहीं है ना। यस, कार्बो कटायन यहाँ पे बनेगा ही नहीं। क्यों हरिओम, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बोलो? कार्बो कटायन बन नहीं बनने के पीछे रीजन क्या है? सोचो और बताओ चैट में। एनीवन, किसी को आइडिया है? SN1 मैकेनिज्म में मैंने क्या बताया था आप लोग को? वहां पे बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा था बताओ? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा था? क्या कोई आके ब्रेक कर रहा था उसको, क्या खुद पोलराइज हो रहा था वो? सर उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करा था ना। तो पोलर प्रोटिक के चलते ही ना वो बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा था ना हमारा। यस सर, और फिर उससे कार्बो कैटायन बन रहा था। इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे क्या है, एनहाइड्रस है, पोलर कोई है ही नहीं चीजें, पोलर सॉल्वेंट हमने यूज ही नहीं करा, इसलिए हमेशा SN2 होगा, है ना? ध्यान रखना, ठीक है? एनहाइड्रस कहीं पे लिखे SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा ईथर के केस में, है ना? तो पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, है ना? ओ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, एच एच यहाँ से ले लेगा और एक्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई माइनस कहाँ करेगा अटैक बताओ? अगर मैं ये बोल दूँ कहाँ पे करेगा बताओ, आई माइनस कौन से आर पे अटैक करेगा? अगर बोल दूँ सिमिट्री है, दोनों सेम है, तो अगर मैं दो बोल दूं कि आर आर और आर डैश 1 डिग्री है, फिर अगर मैं ये बोल दूं आर जो है 1 डिग्री है, आर डैश भी क्या है 1 डिग्री है, तो कहाँ अटैक होगा फिर? इसमें एंट्रेंस कहीं करा लो, है ना, कहीं पे, ठीक है? कम मैं किसी यहाँ पे कर दिया, ठीक है? पर। किसी पे कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग कॉन्फिडेंस रहो सर, कहीं पे करो, ठीक है? ओके, ये यस आर्डनेस आ जाएगा, ठीक है? आगे चले हम लोग, समझ गए ना? यहाँ पे करोगे अटैक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, है ना? ठीक है, बोलो। यस सर। इसमें आओ अब। इथर ऑक्सीजन के आसपास कैसे लोग हैं, मीन्स कैसा ग्रुप है ये, कैसा है ये कार्बन, कैसे देखने में कैसा लग रहा है 3 डिग्री, ये, कैसा है? 1 डिग्री, प्राइमरी। प्राइमरी? ये 1 डिग्री, 1 डिग्री कुछ नहीं है ये, ठीक है? डिग्री कब बोलोगे, जब ये किसी से अटैच होगा तब तो बोलोगे डिग्री, हाँ सर, सॉरी सर। ठीक है? गो, है ना? ये मान लो कि 1 डिग्री से भी हाई नहीं, इस पे ऐसे सोचो आप, है ना? सुपर डिग्री कुछ होता है ना, उतना मत ध्यान दो, है ना? अब आप लोग ये बताओ, ये तो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री भी नहीं है हमारा, ठीक है? ध्यान सुनना। और हमारा कंडीशन क्या था, आर एंड आर डैश, अगर आर एंड आर डैश 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, देन SN2, अदरवाइज अदरवाइज रिएक्शन विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, सर है ना? अब आप लोग ही बताओ यहाँ पे मैं कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करूँ, चैट में बताना सभी लोग, चैट में। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, SN1 या SN2, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करूँ मैं, कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा, SN1 या SN2? SN2 SN1
एसएन क्वेश्चन SN1 होगा, कंडीशन तो देखो यहाँ पे SN1 होगा। अगर R और R' नॉर्मल हो तो नॉर्मल ही है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा है ना, कार्बोकैटायन बनाने के बाद कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा तो नॉर्मल ही है वो, 1 डिग्री 2 डिग्री है, SN2 होगा। अगर नहीं है तो SN1 हो जाएगा। क्यों होगा, इसके पीछे भी रीजन है क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी मेजर हो जाएगा ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो 3 डिग्री है इसलिए हम लोग यहाँ पे SN1 मेकानिज्म होगा, SN2 नहीं होगा, लिख के ऐसे क्रॉस कर लेना। ठीक है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन 3 डिग्री है ना। अब चलो, आपको अब तो आपको आइडिया लग गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे SN1। बस पहले इसको प्रोटोनेशन करा दो, इसको प्रोटोनेशन हो गया है ना। अब जो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन क्या है, 3 बॉन्ड बनाया, तो ये दोनों लेके यहाँ से छुमंतर है ना, लेकिन कल गया ये, तो ये पार्टिकुलर जो हमारा कार्बन था, ये इस पे आ गया कार्बोकैटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए SN1 मैकेनिज्म विल फॉलो है ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा H+ कहाँ से आया था, HI से आया था, तो I- तो सोल्यूशन में घूम रहा होगा ना, है ना, वो खोज रहा होगा कि ऐसा साइट मिले, इलेक्ट्रोफिलिक साइट, जहाँ पे जाकर मैं अटैक करूँ, है ना, ये तो खोज रहा होगा। तो I- को दिखा कार्बोकैटायन, ये गया अटैक किया और आपको कंपाउंड मिल गया, समझ गया। ठीक है, अब भी किसी को डाउट है इसमें, SN1 मैकेनिज्म हुआ है, कार्बोकैटायन बना है कहीं पे, अगर मैं कार्बोकैटायन बनाऊँ ना, तो आप बाई डिफॉल्ट समझना सारी प्रॉपर्टी कार्बोकैटायन की लगेगी, रीअरेंजमेंट और जो भी है सब, ये बार बार 5-6 बार तो मैं बता चुका हूँ है ना, ध्यान रखना सब चीज होगा, अगर पॉसिबिलिटी है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। आगे चले हम लोग, बोलो। यस सर, ठीक है, समझ गए ना। इसमें बताओ हम लोग कौन सा मेकानिज्म फॉलो करने वाले हैं। SN2 हाँ, SN2 SN2। सर ऑक्सीजन के आसपास लोग कैसे हैं, रेजोनेंस, सर रेजोनेंस हो सकता है, SN1 कराओ। यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बना दिया आपने तो मजे मजे हैं इसके तो, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिया तो ये तो रेजोनेंस कर जाएगा ना बेंजीन के साथ, है या ना, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। सर तब ये नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री थोड़ी है, बोलो तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ या ना, समझ में आया, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। ये वाला गया समझ में, हाँ? सर ये वाला नहीं आ रहा। अच्छा, आप ही बताओ कंडीशन क्या था, कि ऑक्सीजन के आसपास लोग जो हैं, अगर नॉर्मल 1 डिग्री हो रहा है, अगर नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री हो रहा है तब होगा SN2, अदरवाइज SN1 हो जाएगा। यस तो आप ही, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये नॉर्मल है, सर, रेजोनेंस होके ऑक्सीजन के लोन पे चले जाते हैं इसमें। नहीं बात का चीज है, अगर आप यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, वो पूछ रहा हूँ मैं, जो आपका ये कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पे क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा। करेगा हाँ बोलो, करेगा नहीं करेगा, आप बताओ। करेगा करेगा ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, भूलना नहीं। ओके बोलो, अभी भी किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो। सोच लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इथर से, इथर से क्या बहुत जगह भी पूछा जा सकता है, उसे बोल के थोड़ी आएगा कि क्वेश्चन फ्रॉम इथर, ऐसा तो बोलेगा नहीं वो लोग, है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। सर, लोन पीरियड से कोई फर्क नहीं आएगा इस पे? सर क्या लोन पेयर का तो बात ही नहीं होगा, पहले तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, हम लोग तो आगे का बात कर रहे हैं, लोन पेयर कहाँ से रहेगा वहां पे, है ना, पहले तो प्रोटोनेशन हो जाएगा ना उसका,
समझे? उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा स्टेबल हो रहा है कर्वक अटैन यहाँ पे, नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट SN1 ही नहीं फॉलो कर लेते हैं, है ना? अगर यहाँ पे कार्बो कटायन नहीं बनता, मींस अगर मान लो यहाँ पे CH3 हो जाता ना, तो अगर यहाँ पे सी एच थ्री आ जाता सेवन फिर SN2 हो जाता। बट यहाँ पे अलग सराउंडिंग है, जो आपको दिख रहा है नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अलग है। तो कुछ अलग है तो कुछ अलग होगा, ठीक है? बोलो, को है ना? तो ध्यान रखना है ना, कंडीशन एक बार और देख लो आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है, इसी पे पूरा इथर का रिएक्शन चलेगा नॉर्मल, है ना? दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। यस ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना आप लोग, है ना, कि अगर R और R डैश जो है हमारा, अगर नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, है ना, नॉर्मल होना चाहिए, वहां पे कोई रेजोनेंस ना हो जाए, है ना, कोई किसी टाइप का कंजुगेशन ना हो जाए, तो उस केस में क्या होगा ना, कि वो और भी आपको जाके बाद में आइडिया लगेगा कि वो बॉन्ड ब्रेक भी नहीं हो पाता है, आगे पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग, है ना? तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलो। अब तो हम लोग को आइडिया लग गया है कि SN1 होगा, है ना? हम लोगों ने जो ट्रिक बनाया था उसके अनुसार जो है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, है ना? तो यहाँ पे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, है ना? ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, कहानी मेन यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूँ कि ये बॉन्ड ब्रेक करूँ, 1 या 2 वाला? वन 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 क्यों? वन वन पे कार्बो कटायन ज्यादा से बने। अगर, हाँ, अगर मैं 1 ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे जो बनेगा ना कार्बो कटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए, है ना? तो हम लोग ब्रेक करेंगे किधर, 1 1 से, है ना? तो ऑक्सीजन जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बो कटायन फॉर्मेशन होने लगेगा, तो बन गया कार्बो कटायन, ठीक है ना? और HBr आप लिए हो तो Br- ऑलरेडी है सॉल्यूशन में, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगा अब ये, है ना? ये आया हाट किया अटैक और आपको कंपाउंड मिल जाएगा, तो 2 कंपाउंड मिलेंगे, है ना? ठीक है, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, फाइन, समझ गए आप लोग, SN1 और SN2 दोनों केस, ठीक है? यस और किसी को डाउट तो सर, नहीं है ना यहाँ पे? बोलो। नो सर, में जो डिफरेंस था समझ गए ना, है ना? यस सर। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे अगर, सर अगर लेफ्ट में एल्कीन होता तो अल्कीन ओके, तब लेफ्ट भी में। इधर जाएगा, तब भी इधर जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, अच्छा ठीक है, वो तो हम देख लेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है, फिर तो सिंपल कार्बो कैटायन की कंडीशन पे चले जाएंगे, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है ना? ठीक है, आप ये नहीं पूछ रहे हो कि दोनों जगह रेजोनेंस हो जाए तो क्या करोगे, कौन सा हाँ ज्यादा हो सर, रहा है ना एक्सटेंडेड, हाँ, यस। तो फिर वहां पे फिर भी यही होगा अगर अल्कीन हो तो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेगा ज्यादा होगा, ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा डीलोकलाइजेशन का मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी हमारा ज्यादा डिक्रीज हो गया है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया, कंपाउंड विल बी स्टेबल, ठीक है? ओके सर, ठीक है, आगे चले, अभी है जो किसी को अभी भी डाउट है नहीं ना? ठीक है, चलो, है ना? अब आते हैं, कुछ आपको शॉर्ट मेथड बता दे रहे हैं, है ना? शॉर्ट मेथड क्या है? और सर एक और चीज है सर, अगर वहां कोई डांसिंग रेजोनेंस वाला जुड़ा हो तो तो वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर तो बात ही खत्म। हाँ, रिएक्शन पूरी लेफ्ट में जाएगी ना, लेफ्ट में होगा। वो तो बोले ना कि अगर फिर सिंपल जो ऑर्डर था ना हमारा उस पे चला जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, चलो ठीक है, शॉर्ट मेथड देखो, अगर मान लो कि आपके पास इथर है, RO R डैश, ठीक है, और यहाँ पे HX है, ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, ये बॉन्ड ब्रेक किया हम लोग,
है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे किस डेल्टा नेगेटिव है और ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव होगा। एच पे क्या होता है, एच पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव और एक्स पे क्या होगा हमारा डेल्टा नेगेटिव, है ना। फाइन, तो डेल्टा नेगेटिव के पास कौन जाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव वाले मीन्स एच जाएंगे, तो यहाँ पे एच हो जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करके आपको मिल जाएगा आर एक्स प्लस आर डैश ओ एच। तो ये डायरेक्ट कैसे कर लोगे आप, है ना, ये डायरेक्ट कैसे कर लोगे आप, मन में तो ऐसे ख्याल आने लगेगा अरे भाई कैसे हो गया ये तो डायरेक्ट कब होगा, जब आप थोड़ा सा और सोचोगे। सोचो ये हम लोग डायरेक्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैंने कैसे कर दिया, दोबारा बता दीजिए किस तरफ का बॉन्ड तोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा ये। सर ये आर स्टेबल है वहां 1 डिग्री होगा, वही तो आपको सोचने के लिए बोला गया है प्रिया, ये लेस हिंडर्ड वाले को तोड़ देंगे, लेस हिंडर्ड वाले को तोड़ेंगे ना, ठीक है। ये कब करोगे, जब ये भी चेक करना होगा कि आसपास वाले कैसे हैं, अगर मान लो कि आसपास वाले क्या हैं कि आपका 1 डिग्री 2 डिग्री है, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, लेस सिंडर वाले, जहाँ पे क्राउडिंग कम हो। तो यहाँ पे कंडीशन है इफ, सभी लोग याद रखना, ऊपर वाला कब फॉलो करेगा, इफ हमारा जो आर डैश है ना ज्यादा क्राउडिंग है, किससे आर से, क्राउडिंग ज्यादा है यहाँ पे, है ना, आर डैश जो है ज्यादा है, और सेकेंड कंडीशन क्या है कि ठीक है ज्यादा है सही है, लेकिन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ही होना चाहिए, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, 1 डिग्री या 2 डिग्री, तभी हम लोग का कौन सा मेकानिज्म फॉलो करेगा, एस एंड टू फॉलो होगा, ये तो आपको पता है। क्या क्या हाँ, ज्यादा क्राउडिंग है ऐसे सोचना है आपको, ठीक है, मान लो कि आर डैश आपका 2 डिग्री हो गया, है ना, आर आपका 1 डिग्री है, उस केस में आप बॉन्ड कौन सा तोड़ोगे, कार्बन और ऑक्सीजन वाला, जिस कार्बन पे डिग्री कम हो वही बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे। ये एक्स माइनस है, कहाँ जाएगा अटैक करेगा, लेस क्राउडिंग पे ना, तभी तो ये निकलेगा यहाँ से, एस एन टू मैकेनिज्म, समझे, बोलो। यस सर। क्लियर हो गया सबको, बोलो किसी को डाउट है पूछो, ये शॉर्ट मेथड है, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो जैसे हम लोग किए हैं ऑलरेडी, है ना, प्रोटोनेशन कराओगे फिर उसके बाद चेक करोगे कौन सा लेस क्राउडिंग है, उस पर जाके न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा कब, जब आर और आर डैश क्या हो, 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो, बोलो इसमें किसी को डाउट है पूछ लो अभी, एनी वन। सर आपने जो इससे पहले एग्जांपल कराया था सेकंड वाला CH3O, जो पहले एग्जांपल कराया था उसमें तो आपने ये नहीं किया, ये तो आपको मैकेनिज्म से किया ना मैंने, ये तो सर ये तो शॉर्ट मेथड है, तो डायरेक्ट कैसे किया जाए उसका है, अगर आपको ये समझ में आया ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाला ही सही है सर, है ना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर भी वही यहाँ पे शॉर्ट मेथड में ना वही हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना एक्स माइनस कहाँ जा रहा है अटैक करने, ये देखो कहाँ पे करेगा, आर पे या आर डैश पे, एसएन2 होने वाला है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आर और आर डैश क्या है हमारा, या तो 1 डिग्री होगा या तो 2 डिग्री होगा, समझ गए, तो कहाँ पे करेगा एक्स माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे करेगा अटैक, जहाँ पे लेस क्राउडिंग हो, इसलिए आर पे किया अटैक, है ना, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ इफ R या R डैश जो है हमारा क्या हो जाए 3 डिग्री, देन देन क्या हो जाएगा बताओ, SN1 हो जाएगा, अगर SN1 हो गया तो फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, R डैश वाला, समझ गए ना, क्लियर हो गया आपको, SN जहाँ पे मोर क्राउडिंग हो, अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा, R डैश क्या है ज्यादा क्राउडिंग है ना, ठीक है, फाइन, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है, एच प्लस और हमारा एक्स माइनस है, तो
तो यहाँ पे चला गया H प्लस और यहाँ पे आएगा X, तो आपको मिल जाएगा आर ओ एच प्लस आर डैश एक्स। क्लियर है, ये डायरेक्ट मेथड है, अगर आपको ऊपर वाला समझ में आया फिर भी सही है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो सर। अगर यहाँ से SOCl2 पास कराएंगे तो क्या होगा सर? सील आ जाएगा बस, OH की जगह पे ना। हाँ और सर वहां पायराडीन, पायराडीन के बाद पाराडीन हो जाए कुछ भी हो, मैकेनिज्म अलग हो जाता है, पेरिडीन मेसन टू हो जाता है, और सिंपल एसओ, सिंपल अगर एसओ सी एल टू हो तो ऐसे नहीं हो जाता है। तो ठीक है, दोनों में सर Cl ही आएगा ना, सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई अंतर नहीं होने वाला है ना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है शॉर्ट शॉर्ट मेथड में, बोलो बोलो, किसी को कुछ भी डाउट हो पूछो जरूर, है ना, ऐसा नहीं है डाउट लेके चले जाना है ना, पूछ लो आप लोग एनीवन और सर जिस एनए ड्राई इथर के साथ, है एनए ड्राई इथर से कराएंगे तो एने ड्राई आरआर जाएगा, रेडिकल बनेगा यहाँ पे अगर एनए और ड्राई इथर डालेंगे तो ED2O। हाँ कहाँ पे, अच्छा ये प्रोडक्ट में है यही प्रोडक्ट में सर, वो एने, भी रिएक्शन हो जाएगा ना। एने ड्राई थर हाँ ED2O इसके साथ रिएक्ट करेगा ना फिर, वो ROH के साथ नहीं करेगा। ROH के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये एने ड्राई इथर जो है तो सॉल्ट बनेगा ना फिर। ONA वाला हाँ चला जाएगा। उसके बाद होगा ना। ठीक है ओके, यहां तक किसी को डाउट है एनीवन, बताओ इसमें नो डाउट, शॉर्ट शॉर्ट मेथड में किसी को डाउट तो नहीं है ना, ये तो मैकेनिज्म से भी कर सकते हो है ना, इसमें मान लो किसी को डाउट हो रहा है तो सिंपल SN1 में SN2 कर लोगे, जैसे दो तीन बार क्वेश्चन करोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि यही सही है। ठीक है, जब आप दो तीन बार क्वेश्चन कर लोगे ना मैकेनिज्म से तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, आपको जस्ट ये बताना है कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं, बस 1 वाला या 2 वाला, बस ये बताओ चैट में सभी लोग बताना कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 या 2। और कौन सा मैकेनिज्म होगा, ठीक है, अगर इसमें डाउट हो, अगर इसमें डाउट आ रहा है आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं तो आप ये बताओ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, चलो ये तो बता सकते हो ना आप लोग। देख के ना जाओ आप लोग, है ना, धोखा हो जाएगा। अच्छा, SN1 वाले क्यों बोल रहे हैं, SN1 बताओ, SN1 वाले बताओ SN1 क्यों होगा, एनीवन जो 111 टाइप कर रहे हैं वो बताएंगे क्या सोचे हैं वो लोग। राकेश, सर वन तो बॉन्ड ब्रेक का कह रहे हैं ना। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म बताना है ना, मैकेनिज्म बताओ। ठीक है चलो, तब तो ठीक है, ठीक है ना, समझ गया ना, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा बोलो, SN2 SN2। SN2 सर वही ठीक लिखा है है, मैंने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, ऑक्सीजन के आसपास, ये 1 डिग्री नहीं बोल सकते हो, सुपर 1 डिग्री कुछ भी बोल दो, है ना, ये हमारा 1 डिग्री है, आया ना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, और SN2 में हम लोग कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं, लेस हिंडर वाला, इधर वाला तो नहीं कर सकते, इसमें देखो इतना बड़ा सा ग्रुप है तो हम यस लोग सर, यही गलती ब्रेक होगा। फर्स्ट वाला होगा। यस, तो फर्स्ट वाला हम लोग ब्रेक करेंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा CH2OH, है ना, प्लस CH3I, यहाँ पे CH2 थोड़ी है ना, 3 है ना। क्लियर है, अब आओ सेकेंड क्वेश्चन में सभी लोग, everyone, सेकेंड में इसमें आओ, बताना है आपको पहले ये बताओ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, मैकेनिज्म बताओ उसके बाद बताना कौन सा बॉन्ड होगा ना, पहले मैकेनिज्म सर बता, SN2 ही होगा सर। चैट में एवरीवन, चैट में बताना,
दूसरे के सुन के अपना आंसर मैनिपुलेट मत करो आप लोग, ठीक है? दूसरे से सुन के अपने आंसर को मैनिपुलेट ना करें, ठीक है? जो लोग बोल रहे हैं SN1 वो बताएंगे क्यों, वाई डबल बॉन्ड वाला कार्बन, जो लोग बोल रहे हैं SN2 क्यों, SN2 वाले बताएंगे वन डिग्री है। अच्छा, ये वन डिग्री देख के आपके मन में ये ख्याल आया कि ये रिएक्शन वन डिग्री के साथ डबल बॉन्ड है ना, ये वन डिग्री देख के आपके मन में ख्याल आया होगा कि इसको हम लोग कर देते हैं SN2, राइट? यस सर, यही ख्याल आया। लेकिन ये ख्याल के आसपास ये भी देखना चाहिए था, ठीक है? फर्क पड़ेगा सर, बी वाला ब्रेक होगा ना? नो, ए वाला ब्रेक होगा। तो कभी कभी जो आप ख्याल कर रहे हो गलत भी होता है ना, ठीक है? मैंने क्या बताया, नॉर्मल होना चाहिए वन डिग्री, ये नॉर्मल थोड़ी होगा। वन डिग्री नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ गया। और राकेश ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही पूछा सर डबल बॉन्ड हो जाए तो आया ना यहाँ पे। तो आपको क्या करना है ना, ए वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है? ए वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, आइडिया लग गया? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है? बोलो हाँ या ना। ये बॉन्ड ब्रेक किए, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, है ना? ऐसा सोचो आप लोग। और एच यहाँ से यहाँ पे एच आ जाएगा, और जो सी एल माइनस निकलेगा, सी एल माइनस, ये सी एल माइनस यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे सी एल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, यहाँ पे कार्बोकैटायन क्यों बना, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, बोलो। और जो आपको दिख रहा होगा एस एन टू, एस एन टू लिख के ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, यस सर, ठीक है, चलो आगे। इसमें बताओ कहाँ पे ब्रेक करूँ मैं, नहीं ब्रेक करने से पहले आप लोग मैकेनिज्म बताओ, ब्रेक वाला छोड़ो, मैकेनिज्म बताओ कौन सा फॉलो हो रहा है इसमें। SN1 सभी लोग एग्री हो? अच्छा कैसे, अच्छा तो SN1 होगा तो फिर तो हमें ये बॉन्ड तोड़ना चाहिए। बॉन्ड सर OCH3 वाला टूटेगा क्योंकि वो रेजोनेंस में डबल बॉन्ड है, तो फिर ये असल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। फिर ये SN1 कैसे हो गया सर? SN2 है ये, SN1 है ही नहीं, SN2 है। तो कभी धोखा मिलता है ना, ठीक है? तो ये रेजोनेंस करेगा ना, पार्शियल कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है? सर एक बार फिर से बता दो, मैंने चैट में रीजन भी दिया था, रीजन। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, जैसे आपके फर्स्ट क्या करना है आपको, ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन देखे, ऑक्सीजन के आसपास कैसा ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, सिंगल है, CH3 केवल है प्रेजेंट, है ना, मिथाइल है। यहाँ पे क्या है, फिनाइल है। बट ये फिनाइल कब आपको हेल्प करता SN1 बनाने में, जब इसके पास और CH2 लगा होता। ये तो डायरेक्ट लगा है ना, इसका मतलब ये रेजोनेंस करेगा ना बेंजीन रिंग के साथ। ये जो pH है, ये क्या है, रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे डबल बोन करेक्टर आ जाता है यहाँ पे, तो डबल बोन करेक्टर ब्रेक करना ईजी नहीं है, आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है? यहाँ पे क्या आ गया, डबल बोन करेक्टर, तो डबल बॉन्ड आने से चलते ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाती है। इसको अगर आप सोच रहे हो ना ब्रेक करने का, नहीं ब्रेक कर पाओगे। तो हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं, अब यही बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना? तो यहाँ पे आया आई, और यहाँ पे आया एच, ठीक है? तो PHOH प्लस CH3 I, समझ गया? तो हर कंडीशन, हर चीज देखना पड़ता है एनवायरमेंट में क्या चल रहा है ना, ब्लाइंडली आंसर नहीं करना है, ठीक है? चलो इसमें बताओ, अच्छा इसमें नो रिएक्शन क्यों है सर? दोनों तरफ से दोनों में डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ आ जा रहा है। यहाँ पे भी रेजोनेंस, यहाँ से भी कर सकता है, तो दोनों में क्या आ जाएगा हमारा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है ना, ठीक है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर,
हाँ बोलो। साउंड ब्रेक हो रहा है सोमरा, चैट में लिखना। हाँ इसमें बताओ क्या होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं मैं, वन वाले को या टू वाले को? वन के जाओ, ए बी कर देता हूँ ना, ए और बी। चैट में बताना सभी लोग, ए या बी, और इसका मेकानिज्म भी उसके साथ, ए एस एन वन, ए एस एन टू, लाइक दैट है ना, या बी एस एन वन या बी एस एन टू। बोलो चैट में सभी लोग, ए एस एन वन, ए एस एन टू। ओके ए एस एन टू, ए एस एन टू, ए एस एन वन। बाप इतना ज्यादा कंफ्यूजन। ए तो सभी लोग बोल रहे हैं, चलो ए का तो मान लिया मैंने। एस एन वन है या एस एन टू होगा? बोलो तो इसका सराउंडिंग देख लो कैसा है। ये बी क्यों नहीं होगा बताओ, बी ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि पीएच है ना वहां पर, तो उधर भी पार्शियल डबल वन कैरेक्टर आ जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल डबल वन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा हमारे पास, अब यही ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो बेटर है तो हम क्या करें, एस एन टू से चले जाएं, एस एन वन जाने से फायदा है ही नहीं हमारे, है ना। ठीक है तो हम लोग एस एन टू से चले जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या है हमारा, 1 डिग्री है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला ए, ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ए वाला, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन को H दे दो, कार्बन को Y दे दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा I, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको, एनी वन एनी डाउट? बोलो नहीं आगे चले हम लोग, है ना। चलो इसमें बताओ हम लोग कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, वन वाला या टू वाला? वन टू के जगह ए बी बताओ, ए वाला ब्रेक करें या बी वाला, कौन सा मैकेनिज्म होगा? सर एक बार इससे ऊपर वाला भी क्वेश्चन। एक मिनट देखो देखो, हाँ बोलो सर। मैं कहती हूँ कैसे पता चला सर वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया उसमें? क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, हाँ और पास में ही लगा हुआ है ना रिंग, बेंजिंग रिंग है ना यहाँ पे, तो कंजुगेटेड सिस्टम हो गया ना यहाँ पे। बोलो दिखा आप, यस ये इधर जाएगा फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा फिर ये इधर आएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस सर, ओके थैंक यू। ठीक है इसमें बताओ ए या बी, और इसका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? ए एस एन टू, सॉरी एस एन वन, एस एन वन, एस एन वन, ए एस एन वन, ए एस एन वन, ए एस एन वन सबका क्या, ए एस एन वन होगा? अच्छा एस एन टू, एस एन वन एनहाइड्रस है, अच्छा तो एस एन टू होगा, यस ठीक है, वो तो सही है, एस एन टू होगा, हाँ सही है, फिर तो एनहाइड्रस में एस एन टू होगा, सही हो आप लोग। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूँ मैं, ए वाला या बी वाला? बी वाला सर। बोलो कौन सा, कहाँ पे क्राउडिंग कम है वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। बी वाला सर, बी वाला सर, बी। ये देखो ये में कितना क्राउडिंग है, इतना ज्यादा है, तीन तीन है, यहाँ पे दो ही है, तो बी वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा हमें, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन को एच दे दो और इस कार्बन को आई दे दो, है ना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ओ एच,
ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा OH एंड यहाँ पे लग गया आई, ठीक है। इसमें बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो पता चल गया एनहाइड्रस से तो SN2 होगा, तो नाउ यू कैन टेल मी कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, ए वाला या बी वाला? सर बी वाला। अच्छा ये बताओ बी वाला जो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं बी? सर रेजो। ओहो क्या बात है, ये रेजो कब आएगा यहाँ पे, रेजो का कोई रोल है? सॉरी सर मैंने पढ़ा नहीं एनर्जी। ये कार्बोकैटायन का भी बनेगा यहाँ पे? नहीं तो रेजोनेंस का बात ही छोड़ो, है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ए वाला, है ना, ठीक है ओके। तो ये सारी चीज ध्यान रखना है ना, रेजोनेंस रोल में कब आएगा, जब कार्बोकैटायन बनेगा तब तो, बना ही नहीं तो रेजोनेंस का बात ही छोड़ो, है ना। तो एच आई एच दे दो इसको, आई आ जाएगा इसको, ठीक है। तो पी एच सी एच टू ओ एच, ओ को एच क्यों दे रहे हैं हम लोग, पता है ना, एच प्लस होता है और आई माइनस होता है, और ऑक्सीजन क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। वैसे आप याद रखना है ना, प्लस सी एच थ्री आई। किसी को डाउट है बोलो, एनी वन चैट में किसी को डाउट है तो पूछो आप लोग, ठीक है। किसी को डाउट है एनी वन? नो सर क्लियर है, ठीक है। प्रिया क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है, ठीक है। इसमें आओ, इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें हम लोग, ए या बी? ए ब्रेक करें या बी ब्रेक करें, दोनों कोई भी कर सकता है, एक्सेस में तो सर आ रहे आ रहे आई आएगा ना बस इसमें, तो फिर तो एक्सेस है, तो क्या हम लोग दोनों बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं बोलो? अगर एक साथ नहीं मतलब, बट एंड एंड रिजल्ट सेम है, हम लोग दोनों बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, याद रखना, अगर एक्सिस मेंशन है तो दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, बट एक जगह नहीं होगा, है ना, आगे आएगा, ठीक है। एक्सिस लिखा है, सब बॉन्ड ब्रेक कर दो इसे, है ना। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है तो इसको एच दे दो, इसको क्या आई दे दो, इसको आई दे दो, इसको एच दे दो, तो क्या बन जाएगा आपको, आर आई प्लस आर डैस आई प्लस एच टू, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, है ना। अब इसमें बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ पे भी क्या है हमारा एक्सेस है, तो ए बी दोनों ब्रेक करें, दोनों बोलो या एक? चैट में बताना सभी लोग, बी बी यस। ए क्यों नहीं भाई, नो ए को क्यों नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड करें, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि एक्सेस है तो सब सब होगा, नहीं, एक्सेस का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो नहीं तोड़, जिसे जिस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हो उसको भी लगे तोड़ने, है ना। यहाँ पे है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो केवल एंड केवल एक्सेस होने के बावजूद भी हम केवल एक ही बॉन्ड ब्रेक कर पाएंगे, वो भी ये वाला, ठीक है, है ना। तो ऑक्सीजन को एच दे दो, इसको आई दे दो, इसको एच दे दो, इसको आई दे दो, तो क्या बन जाएगा हमें, ओ एच ओ एच प्लस ट्वाइस सी एच थ्री आई। इसमें किसी को डाउट है बोलो, है ना, ये बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ए बी?
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. ऑल यस. यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ रहा है ना, तो ये मत सोचो कि आ रहा है यहाँ पे. तो हम लोग दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं, है ना. ठीक है, तो ब्रेक करो, है ना. एच आई है तो एच दे दो इसको, आई दे दो इसको, ये बॉन्ड ब्रेक करो, है ना. एच इसको और आई इसको, सिमिलरली इसको आई एंड ऑक्सीजन को एच, ये बॉन्ड ब्रेक करके इसको एच दो, इसको आई दो, तो क्या मिलेगा हमें. अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई एंड आई प्लस ट्वाइस सी एच थ्री ओ एच. अब आपको याद है मैंने प्रीवियस क्लासेज में अल्काइल हैलाइड में बताया था ना, अगर एडजेसेंट कार्बन पे. हाँ बोलो सर. सी एच थ्री ओ एच सर कैसे सी एच थ्री आई बनेगा ना, तो उधर लग गया ना. यस 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 एक मिनट. हाँ तो ट्वाइस सी एच थ्री आई हो गया प्लस एच टू ओ, ट्वाइस एच टू है ना. हाँ ये बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना कि अगर एडजेसेंट आई हो, एडजेसेंट कार्बन पे दो आई हो, तो दोनों आई निकल जाता है यहाँ से, पता है ना आपको, स्टेबल नहीं होते. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कीन. ये याद रखना आप लोग, है ना. क्या बनेगा, आई टू यहाँ से निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्कीन. फिर भी एक्सेस में एच आई है, अब क्या होगा सर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और नॉर्मली बन जाएगा. अच्छा तो ये हमारा प्रोडक्ट है ना, यही बोल रहा हूँ. हाँ सर यही यही. क्या सभी लोग यही आंसर है आपका? यहाँ पे एडिशन होगा ना एच आई का अल्कीन पे, भूल गए क्या आप लोग, यहाँ पे एच आई पे एडिशन होगा ना. एच आई डबल बॉन्ड बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव, ये किया अटैक, ये निकला है ना, यहाँ पे लग गया एच, ये बना कार्बोकैटायन, आई माइनस आया, अटैक किया, समझ गए. तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे आई लग जाएगा. ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना है ना, ये सिंपल अल्कीन का रिएक्शन होगा यहाँ पे. जो दोनों आई को एलिमिनेट किया है, चलिए किसी और हैलोजन के लिए कर सकते हैं, आई के लिए करते हैं, केवल सबके लिए नहीं. ओके सर, आओ चलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथर. देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथर जो है, एक चीज याद रखना, ओपन चेन में नहीं हो पाता है. ठीक है, ओपन चेन में हम लोग नहीं कर पाते हैं, बेसिक मीडियम हो तो नहीं हो पाता है ना. ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है ना कि आपको पता है बेस भी कभी न्यूक्लियोफाइल था, या न्यूक्लियोफाइल भी कभी बेस था, है ना. क्योंकि बेस भी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना. और आपको पता है ईथर में जो ग्रुप होता है ना, आर ओ आर है मान लो, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, ये भी कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना. और जो बेस होगा मान लो एन ओ एच है, तो ओ एच माइनस भी कैसा बिहेव करता है, अगर हाइड्रोजन नहीं है मान लो कि, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा ना फिर. अब बताओ दोनों दोनों न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं हो पाता है, है ना. एक तो ये रीजन हो गया, है ना. दूसरा रीजन ये है ना, दूसरा रीजन ये है कि ऐसा थोड़ी है कि आपका जो है ईथर जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपका मान लो बेस है ये, है ना. ठीक है, आपने बेसिक मीडियम रखा है ना, तो इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ये मान लो कोई भी कार्बन पे यहाँ पे किया अटैक, किसी भी एक पे है, सिमिट्री है मान लो, तो ये किया अटैक, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना. अगर ये बॉन्ड आपको क्या लग रहा है, ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक कब होगा, जब बनने वाला स्टेबल हो. ये बनने वाला कहाँ से स्टेबल हो जाएगा, सी एच थ्री ओ माइनस कभी स्टेबल देखे हो, नहीं ना, तो ये स्टेबल नहीं होते. ठीक है, क्लियर है, ये लिविंग ग्रुप नहीं होता है, पुअर पुअर लिविंग ग्रुप. इसलिए बेसिक मीडियम में ओपन चेन या ओपन साइक्लिक रिंग जो है रिएक्शन नहीं शो करता है, हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम है ना, पुअर लिविंग ग्रुप. है ना, क्लियर है सबको, बोलो.
किसी को डाउट है ना, अब हम चलते हैं। बट टेबल क्यों लिखा हुआ है? हाँ क्या बोलो? स्टेबल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? स्टेबल होता है ना, ये बेसिक मीडियम रिएक्ट नहीं कर रहे थे, स्टेबल है। ओके सर, ये निकला ही पुअर है, इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा? बैक साइड में ज्यादा जाएगा ना, इसका मतलब जो है इथर है पहले से वो स्टेबल है बेसिक मीडियम में, इसका मतलब ये है ना। ठीक है ओके सर, पुअरली विद रूप कैसे होगा? ओ नेगेटिव है। हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहे हो आप? बोलना बोलना फिर से, साउंड साउंड नहीं आ रहा, चैट में लिखना। बोलो, अगर आप अगर आपने इथर को डायरेक्ट बेसिक मीडियम में अटैक करा दिया ना, तो ये बाहर निकलने वाला आरओ माइनस ना पुअर लिविंग ग्रुप है ना ये, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता है यहाँ पे, इसके पीछे रीजन यही है ना। अगर ओपन है, ओपन इथर है तब होता है ना, क्लियर है? बट साइक्लिक में क्या हो जाता है ना, इथर ऑलरेडी अनस्टेबल है, यहाँ पे तो चलो कुछ स्टेबल भी होगा, बट इसके केस में ना ऑलरेडी ये अनस्टेबल है। थ्री मेंबर रिंग स्टेबल होते ही नहीं है, पहली बात, ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन ज्यादा रहता है यहाँ पे, तो वैसे भी होता कैसे? रिंग स्ट्रेन सर आता होता कैसे? रिंग स्ट्रेन मान लो कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है इसका, इस कार्बन का sp2 है, ये sp2 है, बताना सभी लोग। ये कार्बन नंबर 1 पे सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन बताओ चैट में, एवरीवन। हाँ अच्छा, हाँ जुड़ा रहेगा, क्या दिक्कत होगा उससे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो एने है तो एने यहाँ चला जाएगा, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें बताओ कार्बन 1 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अच्छा प्रिया एसपी है, ठीक है, हरिओम sp3, हिमानी सोमरा एसपी। अच्छा ये एसपी जो बोल रहे हैं, आपको एसपी कैसे दिख रहा है ये बताओ सर? sp3 मैंने पहली तो बोला, एसपी जो बोल रहे हैं एसपी, उनको एसपी कहाँ से दिख रहा है? अच्छा आपको लग रहा है यहाँ पे जो है हाइड्रोजन नहीं होगा ना, यही ना, हाइड्रोजन लुप्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते हो, बट रहते हैं साथ में ही, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, अगर 2 बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब 2 बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, जो है ही नहीं, आप दिख नहीं रहा है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा sp3, तो sp3 में एंगल कितना होना चाहिए? 10 कितना बोलो? 9 सर। और यहाँ पे है कितना? अप्रोक्स 60 डिग्री। आप ही बताओ, किसी का हाथ मोड़ के होना चाहिए 180 डिग्री, उसको हाथ मोड़ के 60 डिग्री पे आप लाए हो, क्या वो स्टेबल रहेगा? लोग किसी का हाथ कभी रहना चाहेगा? नहीं ना, ये तो 109 डिग्री पर आना चाहेगा ना ये पूरा। ये सर समझिए, आपने क्या किया 60 डिग्री कर दिया इसको, ठीक है चलो, है ना। तो बेसिक मीडियम में याद रखना, बेसिक मीडियम में हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है ना, ठीक है, क्लियर है। और 3 मेंबर और 4 मेंबर ही साइक्लिक इथर रिएक्शन शो करता है, हाइड्रोलाइसिस जो होगा यहाँ पे 3 और 4 मेंबर रिंगिंग होगा, है ना, ठीक है। और बेसिक मीडियम में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था SN2 फॉलो होता है। अब ये बताओ कहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे या यहाँ पे? मीडियम बेसिक है, ये आपको दिया रहेगा, टेंशन मत लेना इसका, है ना। 1 पे अटैक होगा या 2 पे? 1 पे सर, 1 पे, है ना। बेसिक मीडियम पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो लेस हिंडर कार्बन पे अटैक होगा इसका, है ना। इसने जैसे किया यहाँ पे अटैक, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे चला आएगा,
जैसे ही ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सोर्स होगा, पानी होगा, पानी से क्या करेगा वात एच ले लेगा, है ना, तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, ये हिमांशु पांडे मैन है, सेम सवाल, देखो ये कहीं पे भी हो सकता है किताब में सर। ठीक है, आगे चले हम लोग, इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर, है ना, तो याद रखना है ना, इसमें आ जाओ, अगर यहाँ पे एक्सेस दिया हो तो एक्सेस, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सेस दे दिया तो आपको क्या लग रहा है दोबारा रिंग बन जाएगा, दोबारा तोड़ दोगे आप? कुछ नहीं होगा ना, एक्सेस का भी कुछ रीजन होना चाहिए ना, एक बॉन्ड बना होता भी तो तोड़ोगे उसको। ठीक है चलो, इसमें अगर मान लो एसिडिक मीडिया में ना हम लोग सिंपल इथर का भी हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं एसिडिक मीडियम में, है ना, ध्यान रखना, सिंपल इथर का मतलब ये हुआ साइक्लिक का भी और ए साइक्लिक, ये हमारा क्या ए साइक्लिक है ना, इसका भी हाइड्रोलाइसिस करा लेते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में। तो याद क्या रखना है, अगर आर और आर डैश जो है ना नॉर्मल 1 डिग्री होगा, ये याद रखना, दोनों अंतर है, वहां पे हम लोग एच एक्स का रिएक्शन करा रहे थे 1 डिग्री 2 डिग्री हो रहा था क्या SN2, याद आ रहे हैं, याद आया कि नहीं आया, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इथर का, दोनों अलग अलग रिएक्शन है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना आप लोग, है ना, वहां पे एच एक्स का रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे वाटर का होगा, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो ना, वाटर के हेल्प से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। अगर आर और आर डैश हमारा नॉर्मल 1 डिग्री है तभी हमारा क्या होगा SN2, नहीं तो हमेशा SN1 होगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना, ये भूलना नहीं है ना, दोनों अलग अलग रिएक्शन है, दोनों की अलग अलग टाइप से रिएक्शन होगा, है ना। ठीक है, अगर 1 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो अटैक कहाँ होगा, लेस इंटर कार्बन, और SN1 है तो SN1 कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है वहीं पे हमारा अटैक होगा बस। ठीक है चलो, अब आप लोग ये बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं, टेबल पर साइड दिखाइए प्लीज। हाँ, वहां पे क्या था HX में, HI हो, HBr हो, HCl के केस में हम लोग R और R डैश 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों केस में SN2 था नॉर्मल के केस में, बाकी में SN1 था, बट यहाँ पे 1 डिग्री है नॉर्मल, 2 डिग्री आएगा डायरेक्ट SN1 चला जाएगा, एसिडिक मीडियम के लिए था। इसमें बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें हम लोग, ए या बी, वैसे मैकेनिज्म भी है। ठीक है चलो, मैकेनिज्म बता देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट वाले में बताना आप लोग, है ना, देखो क्या होता है पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है अलग टाइप का ऑक्सीजन है, मींस स्टार है मान लो, है ना। ठीक है, एसिड है, एच प्लस आएगा, प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ पे लोन पेयर है, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अनस्टेबल है, और ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, है ना, जो बॉन्ड वीक होगा उसको ब्रेक कर लेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा ये बताओ सर, जिसका सर जो थोड़ा ज्यादा हैवी होगा, CH2 CH3, जो लेस हिंडर्ड होगा वो वाला होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है 1 डिग्री, और ये तो मान लो है ही नहीं, है ना, मान लो सुपर 1 डिग्री बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, लेकिन 1 डिग्री तो है नहीं, उससे भी कम है 1 डिग्री से भी हिंड्रेंस के मामले में। तो कहाँ करेगा हमारा वाटर जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह जो बिहेव कर रहा है यहाँ पे बैठा है, ये जाएगा अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये यहाँ से बाहर, ठीक है, ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे, पूरा पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा डायरेक्ट, ये नहीं मिलेगा, पहले आपको मिल जाएगा एच एच, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव्ड, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ओ और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, और हमें मिल जाएगी CH3OH, है ना, और स्टार वाला OH यहाँ पे चलाएगा। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या करेंगे ना आपको ऑक्सीजन पे 18 लिख देंगे,
कभी क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन पे स्टार मार्क कर देंगे, तो इसका मेकानिज्म याद रखना है ना, SN1 और SN2 वाला, ठीक है, ईथर के केस में। सर इसमें स्टार जो लगाया उसका मतलब क्या है? अलग टाइप का रिएक्शन है बस, उसका कोई मतलब नहीं है ना। ओके सर। इसलिए है ना, जब आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा ना क्वेश्चन में, तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ना? तो अगर स्टार उस्टार नहीं लिखा है ना, तो डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक कर दो कोई सा भी, ठीक है, बता दे रहा है ना। अगर स्टार उस्टार ना हो, 18 कुछ ना लिखा हो, कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दो आप, ठीक है। चलो ओके सर, इसमें आओ, यहाँ पे भी स्टार है, तो ध्यान से आप लोग ये बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें हम लोग, ए वाला या बी वाला? ए। क्यों? 2 डिग्री। ये क्या है हमारा कार्बन, जो ये कार्बन 2 डिग्री है ना, ये क्या है हमारा 1 डिग्री। जैसे ही आपने देखा 2 डिग्री, SN1, बस काम खत्म। SN1 हुआ तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो वही बॉन्ड हमारा यहाँ पे ब्रेक होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कटायन बनेगा ना वो स्टेबल होता है, इसलिए, और कुछ रीजन नहीं है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, H, और इसको क्या मिल जाएगा, OH, समझ गया? तो स्टार वाला यहाँ पे दिखेगा, है ना, ठीक है। तो आपको जो अब ऑप्शन में दिया जाएगा ना, तो ये भी दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टार और 18 दिया जाता है, कि मान लो किसी को मैकेनिज्म नहीं पता है, शॉर्ट मेथड केवल याद किया हो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दो, है ना, वो लोग यहाँ पे आके मिस्टेक कर जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। इसमें आओ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, ए या बी? बी बी सर, बी। नॉर्मल नहीं सर, बी होगा। ठीक तो है, बी तो होगा ना, फिर नॉर्मल नहीं है ये, तभी तो मोर हिंडर कार्बन जो है ना, क्राउडिंग वाली कार्बन और ऑक्सीजन ब्रेक होगा ना, फिर यहाँ पे मैकेनिज्म जाओगे ना, तो वहां पे कार्बन कटायन बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन कटायन बन जाएगा, और ये कार्बन कटायन होता है स्टेबल, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो आप? ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्पेशल केस है ना, नॉर्मल केस थोड़ी है यहाँ पे। देखो ये रेजोनेंस करेगा इसके साथ, बेंजीन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, उसके बाद आप लोग सोचो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर SN1 हो रहा है तो मोर क्राउडिंग के साइड वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, अगर SN2 हो रहा है तो लेस क्राउडिंग के साइड बॉन्ड ब्रेक करना। तो हम लोग अभी SN1 हो रहा है, तो मोर क्राउडिंग कहाँ पे है, pH के साइड, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको H, इसको OH। OH क्यों आ रहा है, क्योंकि OH नेगेटिव है, ये कार्बो कटाइन बनेगा ना, तो यहीं पे आएगा, अटैक करता है ये, समझ गए, क्लियर है? तो डायरेक्ट मेथड है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कैसे हो रहा है, ना? किसी को डाउट है बोलो। ऊपर मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बो कटाइन बना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे नहीं, ये कार्बो कटाइन थोड़ी है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट था, SN2 था यहाँ पे, SN1 वाला ऊपर देखे थे ना हम लोग, ठीक है, तो वहां पे कार्बो कटाइन बनेगा, ठीक है, बोलो, क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है, इस एग्जांपल में किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछो। है ना सर, मैंने चैट में पूछा है सर। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो सर, चैट में पूछा है, देख लो ना, ये लास्ट में बताएंगे ना। यहाँ पे किसी को डाउट है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करना।
ठीक है, बोलो इसमें क्या होगा, इसमें क्या लग रहा है आप लोग को, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सर जो पहले हुआ था सर, SN2 होगा, SN1 होगा इसमें। क्या होगा? SN1, SN1 होगा। यस, यहाँ पे क्या होगा हमारा सर? 2 होगा ना, एसिडिक मीडियम है ना राकेश? ओ सर सॉरी, एसिडिक मीडियम में एस एन वन था ना, बेसिक मीडियम में ना एसिडिक मीडियम है ना, तो एस एन वन एस एन टू छोड़ो, एसिडिक मीडियम में कहाँ पे अटैक करता था हमारा? मोर क्राउडिंग पे, मोर हिंडर्ड, तो यहाँ पे करेगा अटैक और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे ये इसको अगर मैं स्टार कर दूँ है ना, तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे रहेगा, स्टार वाला ऊपर या नीचे, यहाँ पे या यहाँ पे आएगा, वन पे या टू पे, वो स्टार कहाँ पे रहेगा? वन पे सर, वन पे आएगा, याद रखना है ना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा स्टार करके 18 लिख के है ना, तो ध्यान रखना आप लोग, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे भी OH, तो ये स्टार वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट इसमें किसी को कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें हम लोग, 1 2 3 4 कौन सा वाला, सभी लोग चैट में बताना कौन सा बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे, 1 2 3 या 4 बोलो। किसी को डाउट है बोलो, बोलो 1 2 3 4 में से कौन सा बॉन्ड, एनीवन? 4 4 4 सभी लोग 4 सही है, बोलो कोई है जिसको लग रहा है 3 2 1 ऐसा कुछ नहीं? चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे 4 वाला, समझ गए ना क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर ही नहीं पाओगे, ये जो देख लो ये देख लो सब पार्शियल करेक्टर आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा बस, तो इसको एज दे दो और इसको एज दे दो, ठीक है ना सर? ये आपने पहले भी करा रखा ना एक बार, एच ओ ना ना इसी टाइप का था लेकिन अलग था वो। हाँ हेलो एल्किन हेलोरिन में था वो। हाँ OH प्लस CH3OH, ठीक है ठीक है, तो इथर का जितने पॉसिबिलिटी थी हम लोग देख लिए, तो इथर आप समझ जाओ कि सभी क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, और अब कुछ देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इथर का, ये इजी है आप लोग कर चुके हो इस टाइप का है ना, हेलोजिनेशन करेंगे या आप याद रखना Cl2 प्लस कोई सा भी एसिड वो लोग यूज कर सकते हैं, कोई सा भी एसिड है ना, लेविस एसिड भी, ऐसा ना सोचना कि यही यूज करेंगे ना, कोई सा भी ठीक है, उनको बस प्रोवाइड करना है एसिडिक मीडियम है ना, ये मत बोलना सर आपने तो ये लिखा था और हमारे क्वेश्चन में X2 प्लस FeCl FeX3 आ गया और आपने बताया नहीं, मैंने बोल दिया कुछ भी लिखा रहेगा ना, लेविस एसिड भी लिखा रहेगा फिर भी आप करा देना है ना। चलो और ये बताओ OCH3 जो है हमारा कैसा ग्रुप है, प्लस है माइनस है कैसा है, OCH3 कैसी नेचर है इसकी, प्लस एम है ना, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है हमारा लोन पेयर, ये बिहेव करता है प्लस एम की तरह, तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है ये, ठीक है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, क्लियर है? तो एक्स कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पारा, और इस केस में क्या लगता है हिंड्रेंस लगता है ना, रिपल्सन होता है, तो मेजर हमेशा पारा होगा याद रखना, और ये हमारा माइनर होता है, ठीक है। इसमें आ जाओ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, अल्काइलेशन है, इसमें ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और R प्लस बन जाएगा, ये बना कार्बोकैटायन, तो याद रखना कार्बोकैटायन बनते ही आपके मन में क्लिक आना चाहिए, मन में सवाल आएगा कि रीअरेंजमेंट होगा बस, ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ आर लग जाएगा, ऑर्थो एंड पारा पे,
बट पारा वाला क्या हो जाएगा, मेजर होगा। देखो आपको लग रहा होगा 50% रिएक्शन रिपीट होता है, ये फिर आएगा, ये आपको छोड़ेगा थोड़ी जान, फिर आएगा आगे भी। फिर अब देख ले एसाइलेशन क्या करना है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर लो और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाओ, है ना। क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? नो, नो रीअरेंजमेंट। इसका मतलब ये थोड़ी है जहाँ देखो पॉजिटिव क्या उसको रीअरेंजमेंट करा लोगे, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, है ना। कुछ लोग ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, ठीक है, क्यों हो रहा है स्टेबल? डी टू बैक बॉन्डिंग, बीबी हो रहा है यहाँ पे, है ना। कहाँ पे जाएगा ये? ऑर्थो पे एंड पारा पोजिशन पे, ठीक है। मेजर पारा वाला, पारा पोजिशन विल बी मेजर, ये हमारे हो जाएंगे माइनर, है ना, क्लियर है। नाइट्रेशन, ये रिएजेंट याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? NO2 प्लस। कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा एंड पारा पे जाएगा, ठीक है। मेजर सारे फिनोल वाले होती है सर इसमें, RMGX की है, माइनर है ना, बोलो ग्रिगनार्ड सर होती है इसमें, ग्रिगनार्ड वर्थ। अब कुछ रिएक्शन देख लेते हैं बेसिक मीडियम, वैसे आप लोग देख लिया है बेसिक मीडियम कहाँ पे कराऊंगा अटैक, यहाँ पे या यहाँ पे बताओ सर? पहला वाला जो करा, पहले वाले पे, ठीक है, इजी। अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करवाएंगे अटैक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई सा भी सोर्स देखो H प्लस जहाँ से मिल जाए, इसको मिल गया यहाँ से, ठीक है, समझ गए। एसिटिक मीडियम में कहाँ पे कराना है? सेकेंड वाले पे, वाले पे, ठीक है ना, क्लियर है। तो सेकेंड वाले पे अटैक होगा हमारा, है ना। तो ये बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक होके चला जाएगा, पहले क्या हुआ प्रोटोनेशन होगा, इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसी ब्रेक होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ प्रोटोनेशन के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे कार्बन कैटायन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा OH। किसी को डाउट है यहाँ पे बोलो, एनीवन? नो सर। बोलो आगे चले हम लोग। ये अटैक किया यहाँ पे, अटैक कब करता है? कार्बन कैटायन बन जाता है तब करता है ना, ऐसे आप लोग बोर्ड में मत कर देना, है ना, ऐसे होगा, ठीक है, फाइन। और ये हटा लो अभी, ओ एक सेकंड रुको, ये इधर गया, इधर इधर, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका कार्बो कैटायन बना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे अटैक किया तो आपको मिल जाएगा OH और यहाँ पे OCH3, ठीक है, चलो क्लियर। सर इसका नेम क्या होगा? किसका नेम? ये जो कंपाउंड प्रोडक्ट बना है क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 2-methoxypropanol। आईपीएक नेमिंग आप लोग हमसे कराओगे, ठीक है, वैसे हम लोग ना आईपीएक करेंगे कि बहुत सारे बच्चे को डाउट आ रहा है। अरे क्लास चाहिए थी उसकी। हाँ समझ गए। स्ट्रक्चर्स की नहीं हो पाती नेमिंग ना, बहुत डिफिकल्ट। सर रिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, रिंग में टेंशन ना लो, ऐसा एक नोमेनक्लेचर और एक स्टीरियोकेमिस्ट्री, इनकी दो पेंडिंग टाइप है। स्टीरियो तो होगा, स्टीरियो होगा, आईपीएक भी लेना पड़ेगा, फिर एक लेक्चर होगा जिसमें केवल ऑक्सीडाइजिंग चलेगा, एक लेक्चर होगा जिसमें केवल रिड्यूसिंग चलेगा, एक लेक्चर होगा जिसमें सारे टेस्ट लुकास टेस्ट जो हम बाकी टेस्ट हम लोग छोड़ के चल रहे हैं जो एक ही साथ आएगा पूरा, फिनाइल का टेस्ट, फिनोल का टेस्ट, और एक, हाँ एक होगा नेम्ड रिएक्शन, नेम्ड, तो ये आएगा, है ना, तो टेंशन ना लो, है ना। चलो सर टेस्ट में तो फिर डायरेक्ट नेम ही लिखा हुआ आता है ना, तो टेंशन हो जाती है, फिर गलत हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? तो एक चीज और एक, बोलो। एक एक्स्ट्रा डाउट है सर, वो क्लास के बाद पूछूंगा, ठीक है, एक मिनट अभी चल रहा है ना, कुछ चीजें हैं बस आप लोग ध्यान रखना, जैसे रिएक्शन ऑफ, डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा, रिएक्शन ऑफ इथर विथ विथ PCl5, ठीक है, करोगे क्या आप यहाँ पे? अगर आपको इथर दे दे, है ना, करना क्या है ट्रिक देख लो बस, आपको दे दिया इथर यहाँ पे, है ना, RO-R-, है ना, तो PCl3 ऐसे लिख लेना, फिर Cl और Cl, और इसको बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देना, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपको PCl5 दिया रहेगा तो RCl मिला प्लस R-Cl प्लस POCl3,
तो आप डायरेक्ट याद रखना इसमें, है ना, पीसीएल 5 से भी हम लोग ब्रेक करा लेते हैं ना इथर का, ठीक है। और सर साइक पीसीसी, सर पीसीसी के साथ क्या होती है? नहीं नहीं वो नहीं होगा, पीसीएल 5 के साथ ही होगा, है ना, पीसीएल 6 के साथ तो होगा ही नहीं भाई। सर पीसीसी, पीसीसी हाँ सर, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीडीसी पीसीसी ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तो, हो चुका है, ठीक है। वैसे आएगा, फिर आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन में आएगा, वैसे हम लोग एक कवर करेंगे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आप सुने भी नहीं होंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे एडवांस के लिए। हाँ फिर सिलेबस का तो होगा ना वो? सिलेबस का भी एडवांस का होगा, वो एडवांस लेवल का, ओके सर, ओके सर, वो सिलेबस का ही होगा, ठीक है। तो सिलेबस वाला जो आ रहा है वो हम लोग कवर करते जा रहे हैं बोर्ड के मेंस के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा एडवांस के लिए उसमें आएगा, कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा होंगी, ज्यादा नहीं रहेंगी थोड़ी से। चलो एक क्वेश्चन कर लो आप लोग, मान लो साइक्लिक है तो कैसे तोड़ोगे, ठीक है। आपको दे दिया पीसीएल 5 के, तो कैसे ब्रेक करोगे आप, क्या करना रहता है ना यहाँ पे भी वही ट्रिक, पीसीएल 3 बीच में लिख लो, इसको सीएल कर दो, इसको सीएल, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इसको ये इसके साथ ब्रेक कर दिया, तो क्या यहाँ पे क्या जाएगा बताओ। अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसे रहा, यहाँ पे ये सीएल आ गया, सीएल, और यहाँ पे ये सीएल, ठीक है, और ये साथ में निकल जाएगा, ठीक है। कौन सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा? सा इसमें सीएल की पोजीशन देख के हम एक सेसा ट्रांस मतलब सिस बता ट्रांस नहीं सकते। बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, सिस ट्रांस नहीं होगा यहाँ पे, सिस ट्रांस कहाँ से आ जाएगा, मतलब सीएल सीएल सेम डायरेक्शन में तो सिन, नहीं नहीं ना एलसीएम की बात कर रहे हो? सिन एंटी मतलब। ना नहीं, आप कहीं पे कुछ भी मत लगा दो आप लोग, है ना। चलो ठीक है, तो ये हमारा आज का इतना ही है, और लास्ट रिएक्शन बस ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, लास्ट ही। अब इथर इसी के साथ हमारा समाप्त होने वाला है, तो खुशी की लहर आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा अल्कोहल फिनोल इथर कंप्लीट होने वाला है, और आज से ही हमारा अल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा की तरह आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेंगे। इसमें देखो, अगर आपके पास इथर दिया गया है ना, बस ध्यान रखना है ना, अगर पूछ लिया तो आपको याद रहना चाहिए, ऑर्गेनिक में यही है, अगर आपको थोड़ा सा भी चीज़ें याद रहती है ना तो आगे निकल जाओगे। अगर दिया हुआ है Cl2 लिखा हुआ है ना, अगर डार्क लिख दिया तो याद रखना यहाँ पे और यहाँ पे Cl लगा देना बस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे Cl लगा देना है, डायरेक्ट याद रखना ये सब। सेकंड क्या है, अगर मान लो डार्क ना लिखे, आपको लाइट लिख दिया, बस सबको हटा दो, सबको तोड़ फोड़ कर दो, सब हाइड्रोजन को हटाओ यहाँ से, किसी को नहीं छोड़ो, है ना, सबको, अगर लाइट लिख दिया सबको हटा दो, CCl3, CCl2O, CCl2, CCl3, है ना। चलो इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर, है ना, और नोट्स लेक्चर के एंड में, ठीक है, सर एक बार वो लास्ट वाली स्लाइड एक्वल, दिखाना, हाँ सीएल बोलो। लाइट वाली होती है, वाली वाली। चलो लाइट का मतलब एक्सेस समझना, है ना, सबको हटा देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ नई छोटी छोटी बातें हैं इथर के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, है ना। सर क्वेश्चन, सर डाउट था सर। एक मिनट, ये कंप्लीट हो जाए, है ना, ज्यादा नहीं है, वैसे सबको सब पता जा रहता है, अल्डिहाइड क्या है ये बताया मैं, कीटोन क्या है, जनरल फॉर्मूला, है ना, ये याद रखना जनरल फॉर्मूला आप लोग, ठीक है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन दिया है, ये कैसा बिहेव कर रहा है कार्बन, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि ये लेविस बेस है, ये हमारा है लेविस एसिड, है ना, ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं इसमें, बेसिक बातें, ठीक है। अल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड, एसिटल अल्डिहाइड, है ना, ये नाम ध्यान रखना, है ना, ठीक है, सभी लोग देख लेना एक बार, बेंजल अल्डिहाइड, है ना, ठीक है, फाइन, बोलो, दिख रहा है ना सबको, एसिटोफिनोन, एनसीईआरटी में जो भी कॉमन नेम है ना याद रखना, कॉमन नेम,
कॉमा नेम एक पेज में लिख लेना, एक पेज में तो नहीं हो पाएगा, 5-6 पेज लगेंगे, कॉमा नेम और उसका स्ट्रक्चर ये याद रखना है ना, ठीक है? कैसे आईपैक नेमिंग करते हैं ये सारे लिखा हुआ है ना, ठीक है? आईपैक नेम है एल्डिहाइड कीटोन का, देख लेना एक बार, ये क्वेश्चन भी है आईपैक नेमिंग करना इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, है ना? ये पूरा फिनाइल ग्रुप है ना, यहाँ पे है एल्डिहाइड, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? फंक्शनल ग्रुप से, है ना? तो 1, 2, 3 पे क्या है हमारा? फिनाइल है, 3 फिनाइल और ब्यूटेनल, 3 फिनाइल ब्यूटेनल, ठीक है? चलो सर, फिनाइल है, मिथाइल है, कहाँ मिथाइल? इधर सर, इधर ऊपर वाले में, ऊपर तो मिथाइल है, मिथाइल थोड़ी यूज करेंगे। अच्छा सर, ये तो चेन में आ गया ना पूरा। चलो ये देख लेना आप लोग, है ना, इजी है, आप ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब, ठीक है? ये आपका कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग एनसीईआरटी में मेंशन होगा, एल्डिहाइड क्या होता है ना, लिक्विड सॉलिड ये सब, है ना, सोलिबिलिटी याद रखना है ना, ठीक है? सोलिबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना बार आ चुका है ना, बार बार सेम कॉन्सेप्ट लगता है हर जगह, है ना, ठीक है? क्लियर है? ये देख लेना, किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं अल्केन का, मोलिब्डेनम डालते हैं ना O2 के साथ, तो आपको एल्डिहाइड बनता है, ये चीज ध्यान रखना, है ना? हीटिंग करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है? ये हम लोग कर चुके हैं, वैसे हम लोग करेंगे भी, ये याद है ना, कुशरफ रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन में तीसरी तो, और यहाँ पे भी किए थे हम लोग एल्डिहाइड की, इसमें अल्कोहल फिनोल ईथर में भी था, ठीक है? वैसे ये तो कवर करेंगे हम लोग, है ना, हाइड्रोबोरेशन भी आएगा, है ना, ये प्रिपरेशन है, ये तो आएगा, ठीक ठीक है? जनरल फॉर्मूला देख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी इसी में डाला हुआ है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब सारी चीजें, ये लेकिन आएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा, बट यहीं पे डाला हुआ है तो टेंशन मत लेना, है ना, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन ये फिर से आएगा, है ना? चलो, कार्बोक्सिलिक क्या बात है, कॉन्टेन ये हायर, ये सब सारी चीजें, एलिफेटिक ये नाम, बिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, है ना, बटर में, है ना, एंट में, विनेगर में, ठीक है? आईपैक नेमिंग में देख लेना आप लोग, है ना, इथेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, वैसे तो हम लोग कवर करेंगे बट आप लोग देख लेना, है ना? चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सारे देख लेना आप लोग, डाइमर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है यहाँ पे, है ना? चलो ठीक है, एसिटिक एसिड एज डाइमर का फॉर्मेशन होता है ना बेंजीन में, तो ये याद रखना आप लोग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। चलो, इसी के साथ हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो नेक्स्ट क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाएगा केमिकल रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है? बोलो, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सर, बाय बाय, सर, चीज थोड़ी सी पढ़ानी थी।